सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पुलिस ड्रेस की शर्ट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। पार्ट टू को आप ध्यान से नहीं देखते हैं, पूरा भी नहीं देखते हैं, इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला समझ में नहीं आता, उसके बाद आपको दिक्कत भी होती होगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। 3.5 की बजाय हम 4 इंच रखेंगे, तो ये आपको उतना ही नीचे निशान लगाना पड़ेगा। तो ये 1/2 इंच हम नीचे निशान लगाते हैं। तीरा है इसका 20.5, 21.5 यानी 11.5 इंच। ये हमारा तीरा हो गया। ये हमारी बैक की शेप होगी। अब मैं इसके बैक को काट देता हूँ। ये हमारा सामने बैक हो गया। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। ये जो सामने के साइड से पीस बचा हुआ था, ये हमें बाजू काटने के काम आएगा। अब हमने बाजू देखनी है, चौड़ाई कितनी काटनी है। देखिए हमने कितना मुड्ढा कितना लिया इसका, ये मुड्ढा हमने कितना लिया, मुड्ढे के हिसाब से हमने बाजू काटनी है। साइज के हिसाब से बाजू, छाती के हिसाब से बाजू नहीं कटेगी। अब जो हमारा मुड्ढा हमने लिया है उसके हिसाब से बाजू कटेगी। ये हमारा 11 इंच का मुड्ढा है। ये 11 इंच हम जहां से ये तैयार लेंगे, ये देखिए 11 इंच हमें यहाँ से तैयार मिलेगा। ये 11 इंच। अब इसकी बाजू काटते हैं। कितनी बाजू है हमारी, 10.5 इसकी बाजू है, तो 11 इंच लंबी हम बाजू लेंगे। 1/2 इंच यहाँ से दबेगा भी, तो ये 11 इंच ये हमने लंबी बाजू ली। और इसमें यहाँ पे बाजू में दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि पुलिस की बाजू बहुत चौड़ी ऊपर से बाहर की साइड में मुड़ती है, उस पर सिलाई भी नज़र नहीं आती, तो ये हमने दबाव इसका ज़्यादा रखना है। ये कम से कम इसका दबाव हमने रखना है। 4 इंच हमने इसमें दबाव लेना पड़ेगा। ये दबाव ले लिया। अब ये एक बाजू हमारी कितनी आ गई, 15.25 थी। ये भी हमारी दूसरी 15.25, ये दूसरी हमारी बाजू आ जाएगी इसमें। और इसको ऐसे डबल करके हम काटेंगे। अब यहाँ से हमने कितनी गिरानी है बाजू, देखिए इसको हम 4 इंच गिराएंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है, नहीं तो हम 3.5 ही गिराते हैं, लूज फिटिंग है, लेकिन हैवी साइज़ है, इसलिए हमने बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए हम 4 इंच गिराएंगे। 4.25 भी गिरा सकते हैं आप। तो ये हमारा बाजू का गिराव हो गया। अब इसकी मोहरी कितनी रखी है हमने, मोहरी देख लेते हैं कितनी है।
मोरी है 15 इंच, 15 इंच इसकी तैयार मोरी रखनी है हमने। तो ये तो होगी हमारी तैयार, तैयार का निशान, और ये आधा इंच दबाओ। तो पहले एक बाजू काटता हूं मैं, उसके बाद दूसरी काटूंगा। ये उल्टा है, ये उल्टा है, अब हम दोनों बाजुओं को इकट्ठी कर लेते हैं। अब हमने ये हमारी बैक साइड कट गई है, अब हमने सामना साइड काटनी है। तो ये हमारा सामना साइड हो गया। अब आप बाजू को ऐसे करके देख लीजिए, अगर आपकी बाजू की गोलाई में कोई फर्क है या कोई गड़बड़ है तो आप उसको निशान लगा के ठीक कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल सही गोलाई है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बाजू होगी। अब इसका तीरा, तीरा इधर से काटेंगे, इधर से हमारा ये पैंट का बेल्ट है, ये पैंट का बेल्ट है, तो हम इधर से तीरा काट लेते हैं। तीरा है इसका 20.5, 21.5 हमने काटना है, ये 11.5 इंच। ये किनारे निकाल देते हैं पहले। ये 11.5, ये हमारा 11.5, और यहां से हमने, हम 3.5 काटते हैं, लेकिन हमने चौड़ा तीरा लगाने के लिए यहां पे बैक को 1/2 इंच नीचे काटा था। ये देखिए, यहां से बैक हमने 1/2 इंच ये नीचे काटी है, इसलिए हम इसको 4 इंच का तीरा लेंगे। ये 4 इंच, और जिस हिसाब से यहाँ बढ़ा है उसी हिसाब से हमारा यहाँ भी बढ़ेगा। इसमें हम देखिए, वैसे तो मैं बताता हूँ, 3.5 का तीरा आप लगाइए, 3.5 का लगाइए, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी 2 इंच का अंतर रखना पड़ेगा। एक तो ये डाउन ज़्यादा है, 2 का भी 2.25 इंच हमने इसका सामना डाउन किया था। तो ये जितना हम सामना डाउन करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ भी डाउन करेंगे। तो यहाँ से ये 4 है 2.25 इंच हमने सामना डाउन किया है, तो इधर हम रखेंगे 6.25, यानी 2.25 इंच ही हम यहाँ से सामना डाउन करेंगे। तो ये 4 इंच ये पहले निशान लगा लेते हैं। एक और इसका गला है 4 से 1 सूत कम,
ये और ये, यहां से 6.25 इंच हमने लेना है, ये 6.25 लेंगे तब हमारा 2.25 इंच का हमने जो सामना डाउन किया है तीरा भी हमारा उतना ही डाउन होना चाहिए। देखिए एक बात मैं और भी बता देता हूं कि ये जो हम तीरे का निशान लगाते हैं ये हमारा तैयार तीरा आता है, तैयार निशान आता है। अगर आप इसको बढ़ा के थोड़ा सा मार्जिन रखे काटेंगे तो जब आपका कॉलर चढ़ेगा तो यहाँ पे बिल्कुल निशान पे चढ़ेगा। तो इसको हम जितना दबाव हम कॉलर में देंगे उतना दबाव छोड़ के, यानी ये निशान मैं लगा देता हूँ, ये दबाव, इस दबाव पे हमने तीरा काटना है। मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से ये 11.25, ये 11.25 का निशान है और यहाँ से हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और आगे चल के थोड़ा सा टेपर कर देंगे हम। इसको आप टेपर को ऐसे मिला के देख सकते हैं तो ये दोनों हिस्से बराबर आना चाहिए, जैसे ये बराबर आए हैं ऐसे ही ये दोनों हिस्से ये बराबर आना चाहिए और ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका सेंटर है। एक यहां भी आपको कुटका लगाना है और यहां भी आपको दोनों साइड में कुटके लगाने हैं। दोनों साइड में ये कुटके लगाने का फायदा क्या है, जब बनाऊंगा जब बताऊंगा इसका क्या फायदा है। और ये हमारी बैग का सेंटर हो गया और यहां से हमने इस सामना, इस निशान पे जब हम ये कंधी जोड़ेंगे तो इस निशान का हमें, इस निशान की हमें जरूरत पड़ेगी। ये हमारा जो निशान है ये बैक का सेंटर है और ये जो निशान है ये जब कंधी हम जोड़ेंगे तो ये निशान हमारे काम आएगा। इसी निशान से हम सामना रख के हमें पता लगेगा कि हमें कंधी इधर जोड़नी है या सामना हमारा इधर जाएगा या इधर जाएगा। इसी निशान, यही निशान आपको बताएगा, इस निशान के हिसाब से आप कंधी जोड़ेंगे तो आपकी शर्ट सामने से बिल्कुल साफ आएगी, कोई सलवट नहीं आएगी और शर्ट पीछे भी नहीं जाएगी। ये हमारा तीरा हो गया, ये शर्ट कंप्लीट कट गई है। तो ये थी पुलिस ड्रेस की शर्ट कटिंग, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।